हो रही है भाई। हाँ तो पास चले क्या? नीचे लगाओ, नीचे लगाओ। न देख लूंगा, अभी दिख तो नहीं रहा कुछ भी। हाँ पास देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब दिखेगा क्या पता नीचे एक साइड हो थोड़ा सा। अरे भाई बहुत नीचे आ रहे हैं। जा तो नीचे रही है काफी। अरे यहीं तो आ रही, यहीं तो आ रही। इधर लगाना, इधर लगाना, इस साइड लगाओ। ओ ओ ओ भी ओ लगा ले। ओ ओ बाबा गाइस, ओ भी ले पड़े गाइस। ओ ओ भाई क्या था भैया? ओ लपड़ था ना भाई, हिरण का शिकार कर रखा उसने भाई, हिरण का शिकार। अंदर बैठ, सनसेट होने वाला है। कौन है? लेपर्ड की भी आवाज आ रही। ओ, 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 भाई कौन है ये? भाई ओए भाई, बाहर कौन है? ओ, ओ, भाई बाहर कौन है? भाई आवाज कैसी? टेंट हिला दो कोई। ये आवाज कैसी आ रही? टेंट हिला दो कोई। बीच में सनसेट होने वाला है, देखे सूरज भी छिपने वाला है और काफी लेट हो चुके हैं पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते। क्यों भाई? हाँ भाई जी। हालत खराब है और डीप फॉरेस्ट है गाइस, देखो बिल्कुल कितना खतरनाक। तो अभी ऊंची पहाड़ी पर हो जाना है, अभी 1 किलोमीटर हो जाना है भाई। क्यों? हाँ। और पहुंचते भाई जल्दी से। गाइस सामने देखिए, तो गाइस सामने देखिए सनसेट हो चुका है। ये देखो कितना प्यारा, लाल लाल लाली मच्छाई हुई है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है भाई जी, चूज कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, अब कहीं और लोकेशन नहीं जा सकते ना। थोड़ा सा क्या ना, ओपन है जगह राइट। हेलो भाई, मैं तो जय हिंद दोस्तों। फाइनली दोस्तों एक नई कैंपिंग लोकेशन ढूंढ लिया है, जो थोड़ी सी मतलब एक स्लेप टाइप में है, लेकिन भाई काफ़ी टाइम काफ़ी जगह देखने के बाद यही लोकेशन एक हम दोनों ने चूज़ किया है। क्यों भाई? थोड़ी जगह है वैसे, थोड़ा सा क्या है ना खुला है तो वो थोड़े हमारे लिए सेफ है। अगर जहाँ पे ज़्यादा झाड़ी होती है ना वो हमारे लिए नुकसानदायक है, खतरा पैदा करती है वो। नहीं खतरा, खतरा है वहाँ। हाँ तो अंधेरा तो यहाँ भी है क्योंकि चारों तरफ जंगल है, कोई फिक्स चारों नहीं तरफ है। बट ये है कि जहाँ पे थोड़ा खुला होता है ना, ओपनली मिल जाए तो वहाँ पे थोड़ा ये है कि दूर से कोई जानवर कुछ भी आता है तो वो हम देख सकते हैं। क्यों? झाड़ियों में तो पता ही नहीं लगेगी ना। तो मौसम भी काफी खराब सा भी हो रहा है, अंधेरा भी काफी हो चुका है भाई। टाइम की बात करूँ ना, टाइम गाइस 7 बज चुके हैं। टाइम की बात करूँ अब लगा लो, 6 बजे अंधेरा हो जाता है और 7 बज चुके हैं। लोकेशन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए दोनों भाई। तो जल्दी से टेंट पिच कर लेते हैं क्योंकि अभी लकड़ियाँ भी हमें कलेक्ट करनी है, क्योंकि बिन बॉनफायर के भाई मतलब कि उत्तराखंड के डीप फॉरेस्ट में भाई सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल जी? भाई बिल्कुल सही है। तो पहले टेंट पिच कर लेते हैं। चलो चलो गाइस, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, तुरंत से एक लाइक बटन जरूर दबा दो, दबा दो दबा दो। करे आज है खेल, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता है। अरे बाबा
तो भाई मजा आएगा नाइट कैंपिंग में, वो भी ऐसी लोकेशन जो 7 बजे जाके मिली हमें। तो गाइस टेंट पिच हो चुका है, क्यों भाई? बिल्कुल हो चुका है, तो टेंट को क्लोज करते हैं। लकड़ी लेने चलते हैं। चलो चलो लकड़ियां लेके आते हैं। सबसे पहले तो आग जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो चलो बॉनफायर कर लेते हैं, पहले थोड़ी सफाई से कर लेते जहाँ बॉनफायर करेंगे, वरना आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल क्यों? तो थोड़ा पहले साफ कर लेते हैं। हो गया काफी है। मैं उगाडू सही है ये तो। आप ही क्या, हर कोई करता है। हाँ आग से ऐसा होता है गाइस कि जंगली जानवर आसपास नहीं आता, क्योंकि आग जलती दिखाई देती है ना उसको। नेट निकालिए गाइस, ये भाई बाहर निकालना बहुत जरूरी है पहले। क्यों सेफ्टी पॉइंट से मैं ही हूँ। सब्जी गाइस टॉर्च मारता रहना बहुत जरूरी है। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, पीछे की साइड देख लीजिए। वाह भाई वाह, मौज कर दी। मतलब कि जंगल के ठंड को तुम भगाओगे हैं? क्या बताएं दोस्तों, ठंड भी लग रही है, डर भी लग रही है। तो ये हमारा आग के पास बैठ रहे हो हैं? आग के पास बैठो, सही है। थोड़ा चौकन्ना रहना जरूरी है। कुकिंग भाई जी परफेक्ट करते हैं, इसलिए साथ में भाई जी को ही ज्यादा मैं वो करता हूँ कि आप ही बनाओ, आप थोड़ा टॉर्च मारो भाई। भाई दूर कहीं से काकड़ की आवाज आ रही है। काकड़ की तो आ रही है, काकड़ की आ रही है ना। बंदर की भी आ रही है ना, बंदर की भी आ रही है। बंदर तो खैर पीछे वाले पेड़ में बैठे हुए हैं कुछ, वही लगता है यहाँ पे बंदर ज्यादा है। काकड़ जब हल्ला करता है ना भाई तब लगता है ज्यादा डर भाई, उसकी बड़ी खतरनाक आवाज होती है तभी लगता है। सही बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम कैंपिंग की थी ना, काकड़ की आवाज आ रही थी उस टाइम, पता मैं कैसे समझ रहा था कि ये लेपर्ड की भी यही आवाज है भाई। पूरी रात नहीं सोया था मैं। इस तरह से कैंपिंग करते हैं, वाइल्ड कैंपिंग या फॉरेस्ट में कभी होल नाइट यदि रहते हैं तो समझ लीजिए भाई अपने पास हथियार पहले होने चाहिए। बिल्कुल है ना भाई जी, बिल्कुल हमारे पास हथियार होंगे ना तो आप थोड़ा सरवाइव कर सकते हो आग जला के। बिल्कुल अच्छे से सरवाइव कर सकते हो,
और बेस्ट रहेगा चक्कू वक्कू। वैसे ही बताऊं, लेपर्ड सामने आ जाए ना तो ये हथियार धरे के धरे रह जाते हैं। मेन तो हमारा है, पॉइंट होता है बॉनफायर। देखो गरम हो गई तेल ज्यादा। तो आज कुछ अलग बनने वाला है। तो एक दिन कैंपिंग करी थी, उस दिन आपने वो बनाया था शाही पनीर। गाइस बस यही है कि कैंपिंग करते करते बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये टॉर्च कहाँ गिरा है तुमने? ये रखा यार तुमने, ये उधर लगाओ, उधर उधर लगाओ, वो पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे, इधर लगाओ पेड़ के पीछे। इतने देखते भाई ऐसे नहीं पता लगेगी। डंडा उठा, चक्कू उठा, अरे भाई वही है यार काकड़, वो देखो भाग गया। बोरा 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 बोरा, मैंने कहा ना काकड़ की आवाज आ रही थी। वो चला गया, वो चला गया, ये तो भाग रहा भाई। हाँ भाग वो भाई, रुक जा एक मिनट, भाग रहा है तेज। नो नो, कुछ ना कुछ जानवर होगा पीछे पक्का। अरे बिछड़ गया होगा यार, छोटा ही है ना वो, छोटा बच्चा है, बिछड़ गया होगा भाई, बिछड़ गया होगा। डरो मत, बड़ा वाला डंडा कहाँ गया यार? अगर गाय डरते ना ऐसे भी खुले में भी, तो फिर तो बेकार है कैंपिंग करना। हाँ ये है लेपर्ड की आवाज। सेफ्टी के लिए सबसे पहले बता दें, लेपर्ड आए, कोई भी जंगली जानवर आए, हमारे पास कोई भी हथियार होंगे ना, बस उनका नहीं चलेगा जब वो जानवर सामने आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन भाई जानवर दूर से दिख रहा है, आप मुंह से हल्ला कर सकते हो, तो वो डंडा बजा सकते हो, टॉर्च लगा सकते हो, तो आपके पास साधन, तो ये साधन रखने चाहिए, है ना भाई जी? लेपर्ड हमेशा पता है, बिल्कुल लेपर्ड गाइस हमेशा पता क्या करता है, सामने से कभी वार नहीं करेगा, नहीं करता है हमेशा। क्या करेगा, जैसे हम बैठे है ना, इधर से नहीं आएगा सामने से, क्यों? क्योंकि हमारी बॉनफायर है। बिल्कुल भाई। हमेशा कहाँ से आएगा? हमारे टेंट के बैक साइड से, क्योंकि उसको आग नहीं दिखाई देगी और टेंट के पीछे बैठा होगा। सही बात है ना भाई? मैं देख ले, अगर कोई बंदा पीछे गया टेंट के कुछ भी, तो बस तुरंत भाई मामला साफ है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल भाई। अंडे निकालो आप। मुर्गी ने दिए अंडे? दो दिए थे। हाँ अच्छा। मुर्गी ने नहीं, मुर्गा ने दिए थे। हाँ, मुर्गा नहीं होगा तो मुर्गी कैसे अंडे देगी भाई? बात तो ये भी सही कर रहा है या नहीं? बिल्कुल। चलो अंडा फोड़ो, कैसे फोड़ोगे आज? अंडा फोड़ो, कैसे फोड़ोगे? डायरेक्ट उसके ऊपर? हाँ, इसी में फोड़ना है बस। ऐसे कैसे? क्या बात है, सही है। और देखो हम कैसे फोड़ेंगे अब। ये लो, ये लो। बिल्कुल, क्योंकि हम जहाँ पर भी रहते हैं ना, हम प्लास्टिक को जला ही देते हैं। सुंदरता जो पहाड़ों की ना, वो बरकरार रखनी चाहिए गाइस, गंदा करके नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम कर रहे हैं यहाँ पे, कल को क्या पता कोई और कैंपिंग करना है, तो वो हमारे लिए ही बुरा कहेगा कि भाई कोई आया करके और यहाँ गंदगी चला गया। तो हमेशा साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जिम्मेदार हम और आप ही हैं, और yes, कोई नहीं है। yes, yes. इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ और साफ रखना है, अपने इंजॉय के साथ साथ हमने एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना। Okay. हमारी गाइस लगातार देख लो कितनी तेजी से जला रखी है। खा तो लेते यार, पर अंडे दो ही लाए ना। हाँ पता है आग क्यों तेज जला रखी है? क्योंकि यहाँ पे आते हुए हम लेट हो गए थे, 7 बज गए। तो जब 7 बज गए तो हमें लोकेशन का बिल्कुल नहीं पता कि हमारे इधर नियर पास में क्या है क्या नहीं। क्यों भाई? बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। इसीलिए हमने आज
खाना भी ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं करी कि ज्यादा देर हम बाहर सर्वाइव करें। क्यों भाई, सात तो हमें वैसे बच गए थे। इतने सारी मैगी दो लोगों के लिए बहुत होती है। सिंगल बस करो, बस करो। थोड़ी देर आग सेक लो आप भी, है ना। आग सेक लेते हैं। मैगी हमारी परफेक्टली हो गई है भाई, मैं तो इसमें खाऊंगा। कटोरी पहले से तैयार कर रखी है, ठीक है। दो दो कटोरी गर्मा गर्म। आग को तेज करो पहले। खुशबू तो लाजवाब आ रही भाई जी। भाई खुशबू, खुशबू से ही आता है जो भी आता है जानवर, ये पता है। ऐसा मत ही बोलो यार, खाना तो खाने दो। फिर होते रहेगा भाई जो भी होगा। क्या बेहतरीन मैगी बनी है, एग मैगी और बॉन फायर के साथ में मैगी मिल जाए ना भाई, भाई। मजा ही आ जाए। क्यों करें शुरू। वाह भाई, अल्टीमेट मजा आ गया ना। पहले कभी कैंपिंग में मैगी बनाई आपने, एग मैगी? नहीं बनाई भाई, मेरे तीसरी दिन चौथी बार है। अच्छा, एक पर्सन के लिए एक मैगी इनफ होती है। बहुत है भाई, बहुत। जिसमें दो अंडा गिर जाए ना, हाँ, बच भी जाती है। गैस मैं क्यों दूर रहूं? मैं भी आग के पास में खा दूंगा। तो गाइस पहले मैगी को फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं, क्योंकि भाई डीप फॉरेस्ट है, अननोन प्लेस है। रात के 7 बजे पहुंचे थे यहाँ पे, तो पास का माहौल कुछ नहीं पता कैसा है कैसा नहीं। तो मैगी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। काकड़, अरे ये तो वही है यार, जो अभी जो पहले कहता था वही हिरन है ना, ये उसी की लग रही है आवाज। हाँ ये लेकिन भाग क्यों रहा है बार बार, पता नहीं यार। चल कैप्चर करें, हैं कैप्चर करें फोन। चलो ट्राई करते हैं, चलो ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ज्यादा आगे नहीं, ठीक है। टॉर्च लेके कैप्चर करते हैं, डंडा ले लो, चलो फोन निकाल लो। इधर से आ रही है ना आवाज, इधर से आ रही है ना आवाज, इधर की साइड से आ रही है। ज़्यादा दूर मत जाओ। ना ना वो आई आवाज, इधर साइड से आ रही है, इधर की साइड से आ रही है। देख नहीं रहा अभी कुछ भी। हाँ इधर, इधर की साइड है, वैसे तो आवाज़ तो इधर से आ रही है। अनबन तो हो रही है भाई। हाँ तो पास चले क्या? नीचे लगाओ, नीचे लगाओ। ना देख लूंगा, अभी दिख तो नहीं रहा कुछ भी। पास थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब दिखेगा क्या पता नीचे एक साइड हो थोड़ा सा। अरे भाई बहुत नीचे आ रहे हैं, जा तो नीचे रही है काफी। अरे यहीं पर आ रही, यहीं पर आ रही। इधर लगाना, इधर लगाना, इस साइड लगाओ। ओ ओ ओ ओ बेटा भाग ले, ओ ओ गाइस ओ बे लेपर्ड गाइस,
ओ भाई क्या था भाई, ओ लपड़ था ना भाई, हिरण का शिकार कर रखा उसने भाई, हिरण का शिकार। अंदर बढ़ अंदर बढ़ जल्दी जल्दी अंदर अंदर, ओ भाई जल्दी से अंदर आ जाओ भाई। वो खा रहा है हिरण को भाई, हिरण को खा रहा है, वो हिरण को खा रहा है। ओ हिरण का बच्चा था ना वही जो अभी दौड़ रहा था भाई, वो हिरण तभी भाग रहा था, ये हिरण तभी भाग रहा था, वो हिरण भाई जो आवाज कर रहा था वही था ना, हिरण का बच्चा खा रहा भाई वो। गाइस लेपर्ड था जो हिरण के बच्चे को खा रहा था, वो तभी चिल्ला रहा था। भाई क्या करे, वो तो हिरण को खा रहा था भाई, वो हिरण को खा रहा था वो भाई। ये मैगी निकाल देता अभी हमारी भाई, एकदम से अटैक तो नहीं करता भाई ऐसे, लेकिन एकदम से नहीं करता। बताऊं वो उसको खा रहा है ना, तो हमारे पास तो मुश्किल आएगा वो, क्योंकि थोड़ा दूर है, नीचे है, नीचे नीचे की बात भी प्लस क्या है, क्योंकि उसको खाना मिल चुका है अपना। लेकिन एक बात, हमने अंडा बनाया भाई, की स्मेल से आ सकता है वो, नहीं आएगा क्या करे बाहर चले भाई, थोड़ी देर सामान वान भाई, ना 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 भाई थोड़ी देर वेट करो भाई थोड़ी। और स्लीपिंग बैग में भी घुस गए हैं क्यों भाई, और अब करते भाई सोने की तैयारी भाई। से बताऊं डर बहुत लग रहा है, क्योंकि लेपर्ड ने भाई हिरण का शिकार कर रहा था वहाँ पे, हम हिरण को कैप्चर करने के लिए चले गए और भाई जो देखा आंखों ने, पता नहीं मोबाइल में कैप्चर हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, बट जो देखा भाई आंखों ने फटी की फटी रह गई गाइस। वहाँ से तुरंत भागे हम, तो कुछ नहीं चलो ठीक है, तो बाकी मिलते सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। कौन है ए? कौन है? ओए, ओए, क्या हुआ भाई? भाई टेंट हिला। ओए, टेंट हिला। कहाँ? ओए, वो, ओए, ओए, भाई कौन है? भाई कौन है? बाहर कौन है? कौन है? ओए, लेपर्ड। कौन है? लेपर्ड की भी आवाज आ रही। ओ, ओ, ओए, भाई कौन है ये? भाई, ओए भाई, बाहर कौन है? ओ, भाई, बाहर कौन है? भाई, आवाज कैसे? टेंट हिला रहा कोई? ये आवाज कैसी आ रही? टेंट हिला रहा कोई? टेंट हिला रहा भाई, लेपट की आवाज आ रही, ये भाग गया, देख भाग गया, भाग गया, देख 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 आवाज आ रही, आवाज आ रही भाई। ये अंडे की स्मेल से आया भाई, ये हमने अंडे बनाए थे। टाइम देखना क्या हो रहा है भाई, टाइम अरे बाबा भाई कितना हो रहा है, 1:15 हो रहे भाई। ये अंडे की स्मेल से आया भाई, भाई बाहर जाए ना भाई, बाहर नहीं जाना, अंदर सेफ है, बाहर हमला कर देगा। तो क्या करें, तो गाइस कैमरा बंद बंद करें, हमें 1.5 हो चुके हैं और अब थोड़ा शांत माहौल सा लग रहा है। तो भाई टाइम की बात को, टाइम हो रहा है 2:15 के करीब, ऊपर हो रहा है 2:30 के करीब हो रहा है। क्यों भाई? ओ यार नींद भी आ रही है बहुत ज्यादा, नींद खराब कर दी यार भयंकर भाई साहब, मतलब कि अच्छा खासा नींद आ रही थी, अब साला नींद भी नहीं आएगी यार, आज नींद नहीं आएगी सुबह तक, पॉसिबल नहीं है यार। तो मिलते हैं, क्योंकि भाई भूतों का जो भी होता है 12 का टाइम का होता है, तो अब थोड़ा माहौल शांत सा है, तो मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे भाई 8:30, और 8:30 भी अभी धूप वो कुछ नहीं लग रहा है मुझे लगता है, और जो रात हालत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा,
और निकलते हैं भाई, बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए भाई व्यू, ये देखो यहाँ पे अपनी बॉनफायर, और ये अपने भाई बर्तन रखे यहाँ पे, ये देखो सामने, और ये देखो भाई, और बादल बाहर देखो गाइस, बादल हो चुके हैं, ये देखो, हाय हाय हाय। कुछ ऐसी लोकेशन थी हमारी यहाँ की, खतरनाक वाली भाई। तो गाइस आज हमारे पास दूध वूध कुछ नहीं है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ नहीं बना पाएंगे, तो निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस इस लोकेशन को छोड़ने का समय आ गया है, और भाई अपना सामान पैक कर रहा है जो भी बैग में रखना है। तो लोकेशन देखिए भाई, कुछ ऐसी लोकेशन थी, बिल्कुल पाइन फॉरेस्ट था, डीप फॉली और अननोन प्लेस था भाई हमारे लिए। रात काफ़ी ख़तरनाक रहा, तो जो हमारा कुछ भी था यहाँ पे सब उठा लिया गया है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर गाइस आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं एक नई कैंपिंग लोकेशन पर, नए एक आगे की साइड मुनसारी की तरफ, अगर स्नो भी मिलती है तो स्नो भी करेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।